हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में, फिर से एक नए वीडियो में। अब देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं और किस तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ईवीएस का ये जो है वर्कशीट आपके सामने है, सबके सामने, और बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, कहीं भी नहीं समझ में आए, कोई सा भी टॉपिक नहीं समझ में आए, आप तुरंत मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, प्लीज़ हमें दोबारा से बताएं। तो कमेंट में मैं इसको दोबारा से बता दूंगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। पार्ट 10 है हमारा, बोलती हुई इमारतें। इमारतें जो कहती हैं अपनी कहानी, अपना इतिहास, उनके बारे में आज देखेंगे। ठीक है, दिनांक आप सभी को भर देना है भाई, 21 अक्टूबर का ये जो काम है हमारा, 10वां महीना है और 2021 है। चलिए देख लेते हैं, सही विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा किला दिल्ली में है, आप सभी को पता है। हवा महल कहाँ पे है, आपको पता है तो जल्दी से बता दो भाई, दिल्ली में नहीं है। आमिर का किला दिल्ली में नहीं है, ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, अगर आपको पता है तो। लाल किला, जी हाँ लाल किला दिल्ली में है, और एक लाल किला और है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि सर एक लाल किला इस दिल्ली के लाल किले के अलावा भी है। किले में बुर्ज क्यों बनाए जाते हैं भाई, देखो बुर्ज किस तरीके के होते थे, ये देखो ये किला है। अब यहाँ पे इस तरीके की एक लंबी, मतलब गोल इमारत कह लो इस तरीके की, जिसमें इधर इधर दिख रहा है, इधर छोटे छोटे छेद है, इस तरीके के छेद हैं और इस तरीके के तीन तरफ छेद हैं। ठीक है, ये इसमें से इंसान जो होता था यहाँ पे खड़ा हुआ, इनमें से देखता था, इधर खड़ा हुआ है वो इधर देखता था इस तरीके से। तो वो किस लिए होते थे, सुरक्षा के लिए, ताकि हमें जो अगर दुश्मन है, शत्रु है, दूर तक उसको देखा जा सके बिना उसको दिखाई दिए, इस तरीके से ये डिज़ाइन किए जाते थे, इस तरीके से बनाए जाते थे। गोलकुंडा में कितने बाहरी गोलकुंडा के किले में बाहरी दीवार में कितने बुर्ज हैं, जी हाँ 87 बुर्ज हैं। इनमें से कौन सी इमारत दिल्ली में नहीं है, जी हाँ ताजमहल दिल्ली में नहीं है, और ताजमहल कहाँ है आपको मुझे ये भी बताना है। मैं पूछना चाहता हूँ ताजमहल कहाँ है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनमें से इमारत का उदाहरण कौन सा है, जी हाँ किला एक इमारत है, इमारत यानी पूरा मकान, ठीक है इस तरीके का। तो किला एक इमारत है, किले में बुर्ज बड़े बड़े छेद क्यों बनाए जाते थे, ऊपर भी बनाया जाता था, मैं सुरक्षा लिख बता दूं एक अच्छे से लिख के, सुरक्षा दृष्टि से, ताकि अपने दुश्मन को दूर से देखा जा सके, दूर से या दूर तक देखा जा सके, इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, जब वो दूर रहे तो उसको देखा जा सके कि हाँ भाई दुश्मन आ रहा है, और सुरक्षा की दृष्टि से तो बनाते ही बनाते थे। ठीक है, ताकि उसको बिना दिखाई दिए, मैंने ऊपर भी समझाया ना, यहाँ पे इसको बिना दिखाई दिए, यहाँ पे कोई शत्रु है तो इसको देख लेंगे, ठीक है, इधर तीनों दिशाओं में। चलिए, गोलकुंडा के किले की छत पर फवारे, बड़े पानी के टैंक लगे हुए थे, परंतु फिर भी छत में सीलन नहीं आती थी, जबकि आजकल बने मकानों की छत में सीलन आ जाती है, आप इसका क्या कारण समझते हैं। ठीक है, तो जो गोलकुंडा का जो किला है उसमें भाई पानी की उत्तम निकासी एवं मजबूत निर्माण कार्य होना इसका कारण है, क्योंकि पानी की जो निकासी थी उसके लिए यहाँ पे इस तरीके से जो नालियाँ हैं बनी हुई थी, ताकि पानी आसानी से उसमें है जो ये इस नाली के बीच में होके आराम से निकल जा सके, और जो निर्माण था वो बहुत ही मजबूत ईंटों से हुआ था, ठीक है पत्थरों से हुआ था, ठीक है इस तरीके से जो मजबूत पत्थर है उनसे हुआ था, तो वहाँ पे सीलन आने के बिल्कुल भी चांस नहीं थे, और सीलन नहीं आई थी। ठीक है, तो इस तरीके से मजबूत निर्माण के कारण वहाँ पे सीलन नहीं आई थी, आपको ये मैं बता दूँ, और जो पानी का निकास था उत्तम निकास था, यानी नालियाँ पक्की बनी हुई थी। पुरानी इमारतों या किलों में जब लोग घूमने जाते हैं तो कुछ लोग उनकी दीवारों पर लिख देते हैं अथवा इमारतों को नुकसान पहुँचाते हैं, क्या क्या आप यह सही मानते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, आप भी अच्छे से ध्यान से सुने, जी नहीं यह बहुत ही
गलत बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे सुंदर दीवारों सुंदर दीवारों की इससे सुंदर दीवारों की रंगत खराब हो जाती है। इससे सुंदर दीवारों की रंगत खराब हो जाती है और इमारतें भी भद्दी दिखती हैं, या इमारतें भी गंदी दिखती हैं, बेसुंदर नहीं दिखती हैं अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो। ठीक है, ये हमारा आंसर रहने वाला है। आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, आपको जो भी अच्छा समझ में आ रहा है। ये तो मैंने आपको समझाया है एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको कुछ और समझ में आ रहा है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोलकुंडा किले का नक्शा है, देखिए उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है और ये दक्षिण है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको नक्शे में ये देखो, ये सीढ़ियों के निशान है, ये जो पानी का दिख रहा है ये बावड़ी, ये हौद है और ये दरवाजा है जो इस तरीके, ये रोड है, ये महल है, ये बाग है, बंदूक बारूद रखने की जगह है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। दिए हुए नक्शे को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, किले में कितने दरवाजे हैं? तो किले में, जी हाँ, 8 दरवाजे हैं। ठीक है, आपको दिख रहे हैं, गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से 8 दरवाजे आपको मिलेंगे। ये तो अंदर है तो बाहर बाहर के दरवाजे देख रहे हैं हम लोग, तो आप आराम से गिन लेंगे। 3 तो इधर हैं, 4 हैं, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 8। ठीक है, बाहर ये अंदर का दरवाजा नहीं काउंट कर रहे हैं। ठीक है, 8 दरवाजे हैं। मकई दरवाजा कौन सी दिशा में है? मकई दरवाजा, जी हाँ, मकई दरवाजा हमारा पश्चिम दिशा में है। चलिए, और किले में कितने बुर्ज हैं? किले में 87 बुर्ज है और उनके नाम, जो किले के मेन बुर्ज हैं उनके नाम हम लिख देते हैं। ठीक है, किले के अंदर अंदर का गिनना है, चलिए अंदर के गिन लेते हैं। ये भारी दीवार पे बुर्ज हैं, अंदर के गिन लेते हैं कितने बुर्ज हैं भाई। चलिए, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं। नीचे कोई बुर्ज हमें दिख नहीं रहा है, चलिए देख लेते हैं। नाव बुर्ज एक यहाँ दिख गया हमें, चलिए ये हमने इसको गोला कर दिया, नाव बुर्ज ये एक नंबर लिख दिया। अच्छे से देखना है, आपको कोई रह भी जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, ये अमन कोआ बुर्ज दूसरा। ठीक है, इधर पोचंपा जो बुर्ज है वो तीसरा, इब्राहिम बुर्ज चौथा, ठीक है, पेटला बुर्ज पांचवा, भाई हो गए ना। और कोई बुर्ज है क्या? देखो तो अच्छे से देखो, मैंने नक्शा बड़ा करा हुआ है आपके लिए। चलिए, तो ये 5 बुर्ज हैं जो हमें मेनली दिख रहे हैं, और यदि आपको कोई रह गया है मुझसे गलती से तो भी आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे किले में कितने बुर्ज हैं। किले में 5 बुर्ज हैं और उनके नाम भी लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या नाम है, नंबर 1 पे नाव बुर्ज। दूसरे पे है भाई अनन कोआ बुर्ज, क्या नाम है भाई, अनन कोआ, देखिए अनन कोआ बुर्ज।
हो गया भाई, और पोचम्मा बुर्ज, ठीक है, पोचम्मा बुर्ज भी यहाँ पे है। पहले इसकी एक मात्रा कम कर देते हैं, पो चम्मा। ध्यान से देखते रहो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इब्राहिम बुर्ज और है पेटला बुर्ज, ठीक है। नंबर चार, इब्राहिम बुर्ज, और पांच है पेटला बुर्ज। बहुत ही आसान से जो है आपके ये जो है मैप देखें, आप भी खुद भी अपने उससे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो संकेत दिए गए हैं, सीढ़ियों का ये संकेत है, बावड़ी का ये, हौज का ये, दरवाजे का ये, तो आप खुद से भी इसको देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। चलिए देख लेते हैं, और देख ले यहाँ दरवाजों की बात की जाए ना, किले में दरवाजे हैं तो देखो आप खुद भी गिने तो बाहर की तरफ आठ थे, और अंदर वाले को भी गिनेंगे तो एक नौ हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पे थे आपके, देख ले, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और ये अंदर वाला नौ, ठीक है। देखिए एक दो तीन, ये चार है अंदर वाला, ये पाँच, ये छः सात आठ नौ, ठीक है। अंदर वाला मैंने काउंट नहीं किया है क्योंकि ये किले के अंदर है, तो यहाँ पे मैंने आठ लिखे हैं। अगर किले वाले के अंदर भी लिखेंगे तो यहाँ इसको आंसर को आप नौ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बुर्ज हमारे पांच थे, पांचों के नाम मैंने लिख दिए हैं। जीवन कौशल है, आओ ऊर्जा बचाओ, ठीक है। बिजली और ऊर्जा, किसी भी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, परिभाषा ध्यान रखनी है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा के संसाधन सीमित है लेकिन इसकी मांग बहुत अधिक है, इसलिए हम सभी को ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। यह न केवल इस बारे में अधिक जागरूक बनाता है कि हमारे कार्य पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, बल्कि व्यवहारिक तरीकों से भी हमें ऊर्जा संरक्षण का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हमारे को ये समझाया गया है भाई। चलिए ऊर्जा बचाओ और बिजली के ईंधन, इस बारे में भी आपको अपने टीचर से चर्चा करनी है। ऊर्जा बचाने और अपने घर के बिजली बिल को कम करने के लिए सभी लाइट उपकरण और इलेक्ट्रिक गैजेट को बंद कर दें। अपनी दोस्तों परिवार के सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। लाल बत्ती होने पर हमें वाहनों को बंद कर देना चाहिए। दिल्ली में तो अभी ये चल भी रहा है, आप अखबार न्यूज़पेपर वगैरह में देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। क्या आप अपने सोलर का, आपने कभी सोलर सौर ऊर्जा पैनल देखे हैं, इस तरीके के किसी के घर पे देखे हैं तो कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दो कि हाँ सर हमने ये देखे हैं। संस्कार साला छोटी पर बड़ी बातें, सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है, ठीक है। आहार क्या खाना पीना है भाई, आहार में लाल रंग के फलों और सब्जियों को शामिल करें, जैसे सेब, अनार, लाल बेर, चेरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, प्याज इत्यादि। लाल रंग के फल सब्जी विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। परिवार में बच्चों के साथ कैरम या पिट्टू खेलें। गतिविधि क्या करनी है भाई, अपने अध्यापक या गूगल तथा यूट्यूब की सहायता से पता लगाएं कि लाल रंग के फल सब्जी खाना क्यों जरूरी है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है यदि आपने ये यूट्यूब या गूगल पे देख लिया है तो, ठीक है। डेली के जो कार्य हैं वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत आई है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।